तेरे साथ हूँ मैं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल क्रिक पॉली पर, जहां दोस्तों आमिर खान के लाल सिंह चड्ढा और अक्षय कुमार के रक्षाबंधन इन दोनों फिल्मों को आज सिनेमाघरों में 12वां दिन चल रहा है। और वहीं कार्तिकेय टोरेगल सिद्धार्थ की फिल्म जो इस टाइम सिनेमाघरों में तूफान मचा रही है, फिल्म को आज 10वां दिन चल रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन फिल्म के पूरे 12 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में, और वहीं बात करेंगे कार्तिकेय 2 फिल्म के पूरे 10 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में। तो दोस्तों बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप निखिल सिद्धार्थ और अक्षय कुमार और आमिर खान को एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करें लाल सिंह चड्ढा की, तो 180 करोड़ रुपए के बजट में बनी थी ये फिल्म। एडवेड चंदन ने डायरेक्ट किया था फिल्म को और फिल्म में हमें आमिर खान, करीना कपूर और नागा चैतन्य अहम किरदार में नजर आए। फिल्म ने अपने पहले दिन 12 करोड़ रुपए की ओपनिंग ली थी और उसके बाद फिल्म का जो पहले एक हफ्ते का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो था 51 करोड़ रुपए इंडिया से नेट कलेक्शन। फिर उसके बाद 9वें दिन फिल्म ने 1.25 करोड़ रुपए कमाए, 10वें दिन फिल्म का कलेक्शन रहा 1.52 करोड़ रुपए और 11वें दिन संडे को फिल्म ने कमाए 1.76 करोड़ रुपए। तो लाल सिंह चड्ढा का इंडिया में जो नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 55.51 करोड़ रुपए हो चुका है, आप 56 करोड़ रुपए मान के चलिए। उसके बाद अगर बात करें फिल्म के ग्रॉस कलेक्शन की, तो फिल्म का जो ग्रॉस कलेक्शन है दोस्तों वो हो चुका है लगभग 68 करोड़ रुपए, 68 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन। वहीं ओवरसीज कलेक्शन जो है वो 59 करोड़ रुपीज का है, यानी कि 59 करोड़ रुपए फिल्म ने ओवरसीज से भी कमा लिए। तो कुल मिला के पूरे वर्ल्ड में 127 करोड़ रुपए का पहले 11 दिनों में लाल सिंह चड्ढा का कलेक्शन हो चुका है। वहीं बात करूं 12वें दिन की, तो फिल्म का जो बज है वो इंडिया से तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। फिल्म 40 से 50 लाख रुपए आज इंडिया में कमाने वाली है, वहीं ओवरसीज से लगभग 1.5 करोड़ रुपए कमाने वाली है। तो 2 करोड़ रुपए फिल्म का कलेक्शन पूरे वर्ल्ड से आज होने वाला है। फिल्म का 129 करोड़ रुपए का 12 दिनों का कलेक्शन हो जाएगा। अब दोस्तों वहीं बात करें अक्षय कुमार की रक्षाबंधन की, तो इस फिल्म से बहुत उम्मीदें थी अक्षय के फैंस को भी और अक्षय कुमार को भी। ये आनंद एल राय के डायरेक्शन में बनी थी, ये एक फैमिली फिल्म थी, उम्मीद थी कि ऑडियंस को ये फिल्म पसंद आएगी, लेकिन बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। फिल्म ने उतना कलेक्शन नहीं किया कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट और सुपर हिट हो जाए। फिल्म का बजट भी कम था, 60 करोड़ रुपए के बजट में फिल्म बनी थी और फिल्म ने अपने पहले एक हफ्ते में जो 8 दिनों में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था वो 38 करोड़ 30 लाख रुपए का किया था इंडिया में नेट कलेक्शन। उसके बाद 9वें दिन फिल्म ने फ्राइडे को 1 करोड़ रुपए कमाए, 10वें दिन सैटरडे को फिल्म ने 1.22 करोड़ रुपए कमाए और 11वें दिन संडे को कमाए थे 1.45 करोड़ रुपए। और कुल मिला के फिल्म का 42 करोड़ रुपए का इंडिया में नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो गया था रक्षाबंधन का। वहीं फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन था 47 करोड़ रुपए और 7 करोड़ रुपए ओवरसीज से भी फिल्म ने कमा लिए थे। तो कुल मिला के पूरा वर्ल्ड में 54 करोड़ रुपए फिल्म ने कमाए। वहीं बात करूं आज की, तो आज 1 करोड़ रुपए का पूरे वर्ल्ड से फिल्म का कलेक्शन होने वाला है और फिल्म की कमाई होने वाली है 12 दिनों की 55 करोड़ रुपए। तो फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर भैया फ्लॉप हो चुकी है। अब दोस्तों वही बात करें कार्तिकेय 2 की, तो भैया इस फिल्म की जितनी तारीफें की जाए कम है। भाई क्या फिल्म है यार। जब ये फिल्म सिनेमाघरों में दोस्तों रिलीज हुई थी तो कुल 35 से 40 स्क्रीन इस फिल्म को मिले थे, लेकिन अभी अगर आपको बताऊं मैं तो 2500 से 3000 स्क्रीनों पर यह फिल्म चल रही है। अपने पहले दिन 5 करोड़ रुपए की ओपनिंग करने के बाद फिल्म ने अपने पहले 6 दिनों में 30 करोड़ 20 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया था तेलुगु और हिंदी से। वहीं 7वें दिन फ्राइडे को फिल्म ने 5.81 करोड़ रुपए कमाए। उसके बाद दूसरे मतलब जो दूसरा सैटरडे था फिल्म ने अपने 8वें दिन 7.14 करोड़ रुपए कमाए। उसके बाद 9वें दिन फिल्म ने 8.10 करोड़ रुपए की कमाई की और 10वें दिन मंडे को यानी कि आज फिल्म कमा रही है 3 करोड़ रुपए। तो फिल्म का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दोस्तों 55 करोड़ रुपए इंडिया से नेट कलेक्शन हो चुका है। ओवरसीज का जो कलेक्शन है उसकी रिपोर्ट अभी मेरे पास आई नहीं है, जैसे ही ओवरसीज के कलेक्शन की रिपोर्ट आती है मैं आपको अपडेट दूंगा। लेकिन 55 करोड़ रुपए इंडिया से नेट कलेक्शन और फिल्म का बजट सिर्फ 25 से 30 करोड़ रुपए का है, तो फिल्म तो यार बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट पहले ही हो चुकी है। अब तो फिल्म ब्लॉकबस्टर होने के लिए और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होने के लिए कमाई कर रही है। खैर अगर आपने देखी है फिल्म कार्तिकेय 2 तो कैसी लगी आपको फिल्म कमेंट में जरूर बताइएगा।